नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ओडिशा के मसूरगंज में बस पलटी, 20 लोग घायल। ओडिशा के मयूरभंज जिले में शुक्रवार को एक बस के पलटने के समय सवार 20 लोगों घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि बस किंचित के बारीपदा जा रही थी, तभी कुलियाना चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 18 पर यह घटना हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल में पहुंचाया गया और बारीपदा में भर्ती कराया गया है। उर्वशी रौतेला ने कहा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में तू है कहा। उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव रहती है और अपना कोई वीडियो या फोटो शेयर करती रहती है, जन की खूब चर्चा में बनी हुई रहती है। और यूजर्स क्रिकेटर ऋषभ पंत का नाम जोड़कर अभिनेत्री को पोस्ट पर बड़े ही मजेदार कमेंट्स करते नजर आते हैं। एक बार फिर यही हो रहा है। हाल ही में उर्वशी ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जो अब वायरल हो रहा है। इसमें उर्वशी ट्रेंडिंग गाना मेरा दिल है पुकारे आजा पर अदाएं बिखरती हुई नजर आती थी। उर्वशी येलो कलर का लहंगा चोली पहने हुए नजर आ रही है। सजी संवरी उर्वशी ने एक वीडियो बैकग्राउंड में भीगा भीगा है समा ऐसे में तू है कहा गाना चल रहा था। एक्ट्रेस ने वीडियो को कैप्शन में लिखा था कि जिस पर लोग मजेदार प्रतिक्रिया दिखा रहे थे, यह ही देख में 86,000 से ज्यादा लाइक पर चुके थे यह वीडियो के कैप्शन में। ऋषभ पंत के साथ जोड़ते हुए एक यूजर ने कमेंट किया है कि बांग्लादेश में है वो तो कैसे आएंगे। विकी कौशल को मिली धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म। विकी कौशल की फिल्म गोविंदा नाम मेरा शुक्रवार को रिलीज हो गई है। इस उधर फिल्म रिलीज हुई और उधर अभिनेता की एक नई फिल्म की घोषणा की कर दी गई है। आनंद तिवारी ने निर्देशन में बनने जा रही यह फिल्म विकी कौशल के साथ तृप्ति डिमरी की फ्रेंच जोड़ी नजर आएगी। इसमें एमी वर्क भी अहम भूमिका में नजर आएगी। बताया गया है कि यह धर्मा प्रोडक्शन के और मीडिया कलेक्शन के साथ मिलकर पहले थिएटर में रिलीज किया जाएगा, बाद में उसे OTT पर दिखाया जाएगा। फिलहाल फिल्म में टाइटल के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है। यह फिल्म अगले साल 28 जुलाई को रिलीज की जाएगी। कारण करण जौहर ने कहा कि आनंद तिवारी की इस फिल्म में बहुत कुछ खास होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक टेक्निक फिल्म मेकर इस लेकर जा आ रहे हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विक्की कौशल लीड रोल पर दिखाई जाएंगे। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।